हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो एज द टाइटल सेज, आप सबको पता चल गया होगा कि वीडियो किसके बारे में होने वाला है। थ्रीमान रणवीर आजकल इंडियन फुटबॉल में इनका नाम बहुत वायरल हो रहा है। बहुत से इंडियन फुटबॉल यूट्यूब चैनल्स, इंस्टाग्राम पेजेस, ट्विटर पे इनका नाम ट्रेंडिंग में चल रहा है। बट वाई उनका नाम इसमें ट्रेंडिंग में क्यों चल रहा है इस वक्त, तो उसके पीछे का रीज़न मैं आपको बता दूँ इफ़ यू डोंट नो। सो बेसिकली थ्रीमान रणवीर इज़ एन इंडियन ओरिजिन फुटबॉल प्लेयर हु होल्ड्स अ बेल्जियन पासपोर्ट, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। सो आपने अगर मेरा प्रीवियस वीडियो देखा है जो कि PIO और OCI के बारे में था, प्रीवियस टू प्रीवियस, अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ गो सी एंड वॉच द वीडियो, आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा OCI एंड PIO के बारे में। सो बेसिकली ही इज़ एन इंडियन ओरिजिन प्लेयर, सो वो बेल्जियन नेशनल है तो उनके पास एक बेल्जियन पासपोर्ट है। बट इनका नाम इतना वायरल क्यों हो रहा है लेटली, अगर आप इंडियन फुटबॉल से फेमिलियर हो तो इससे पहले भी ओमित सिंह, माइकल चोपड़ा, ऐसे बहुत से प्लेयर्स हैं जिन्होंने बोला है कि लाइक लुक, वी वांट टू प्ले फॉर इंडिया एंड वी वांट टू रिप्रेजेंट इंडिया। वो ISL में आए या कुछ प्लेयर्स आई लीग में आए, खेले और अपना यू कैन नो चले गए खेल के, बट कभी मटेरियलाइज नहीं हुआ। बट थ्रीमान रणवीर हैज़ डन द अनथिंकेबल बिकॉज एक्चुअली दिस गाय हैज़ अप्लाइड फॉर द इंडियन पासपोर्ट। दैट्स राइट, इंडियन पासपोर्ट के लिए थ्रीमान रणवीर ने अप्लाई कर दिया है। सो इफ़ द प्रोसेस गोज लाइक, अगर सही से सब चले तो थ्रीमान रणवीर को इंडियन नेशनल नेशनल सिटीजनशिप या पासपोर्ट मिल जाएगा, तो ही कैन रिप्रेजेंट इंडिया। सो इफ़ यू डोंट नो PIO एंड OCI के बारे में, तो इफ़ अ सर्टेन OCI प्लेयर और PIO प्लेयर होज एन इंडियन ओरिजिन, वो इंडिया को रिप्रेजेंट सिर्फ तब कर सकता है इफ़ ही होल्ड्स एन इंडियन नेशनल पासपोर्ट। सो दैट इज़ द रीज़न वाई थ्रीमान रणवीर इज़ ट्रेंडिंग। सो बेसिकली ही लैंडेड इन इंडिया अ फ्यू डेज बैक, वन और टू डेज बैक, एंड अभी उनका प्लान ये है कि वो इंडिया में स्टे करेंगे एंड एज़ पर रिसोर्सेज कि उनके थोड़े ISL और आई लीग टीम्स के साथ टॉक्स भी चल रहे हैं, सो मे बी वी कैन सी हिम प्ले इन द इंडियन सुपर लीग और आई लीग। सो थ्रीमान रणवीर के बारे में आपको मैं कुछ बता देता हूँ। थ्रीमान रणवीर एक बेल्जियन नेशनल है एंड ही स्टार्टेड हिज फुटबॉल एट द अराउंड एज ऑफ 6 to 7 years एंड ही गॉट इन टू हिज फर्स्ट क्लब साइनिंग फॉर एट अराउंड 11 years ऑफ एज एंड 17 साल के जब वो थे उन्होंने अपना फर्स्ट प्रोफेशनल गेम खेला। ही इज़ प्लेड इन नेदरलैंड्स एज वेल, फिनिश, एंड पोजिशन की बात करें तो ही प्लेज एज अ स्ट्राइकर एंड विंगर। विंगर मोस्टली खेलते हैं बट ही कैन ऑल्सो प्ले एज अ स्ट्राइकर। सो इफ ही गेट्स टू प्ले विथ इंडिया, सो दैट इज़ अ गुड थिंग, हमारे इंडियन नेशनल टीम के लिए अच्छा हो सकता है इफ़ ही एक्चुअली प्लेज फॉर इंडिया। एंड बेसिकली ये यहाँ तक बात कैसे पहुँची इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। एज़ पर रिसोर्सेज, थ्रीमान रणवीर अपलोडेड, उन्होंने अपनी कुछ पिक्स ट्विटर वगैरह पे अपलोड करी थी एंड इट वेंट वायरल। सो ट्विटर थ्रेड में कुछ लोगों ने उन्हें सजेस्ट किया कि लाइक आई थिंक ही ऑलरेडी हैड एन यू नो ही ऑलरेडी वॉन्टेड टू प्ले फॉर इंडिया एंड सम पीपल सजेस्टेड कि आप रंजीत बजाज सर से बात करो। तो रंजीत बजाज सर कौन है इफ़ यू डोंट नो, मिनरेवा पंजाब अकेडमी के बारे में आप रिसर्च कर लो, आई लीग में उनकी टीम भी है, इट्स अ वेरी यू कैन से बहुत ही अच्छी अकेडमी है, क्वालिटी प्लेयर्स प्रोड्यूस करती है इंडिया के लिए, ज़्यादा पुरानी नहीं है बट इट्स अ वेरी ग्रेट अकेडमी। सो बेसिकली रंजीत बजाज कॉन्टेक्टेड हिम, दे गॉट इन टू कॉन्टैक्ट एंड ही केम टू इंडिया, ही सेंड सम वीडियोज एंड यू नो ऑफ प्लेइंग हिमसेल्फ टू रंजीत बजाज सर एंड ही वॉज इम्प्रेस्ड, वेरी मच इम्प्रेस्ड। सो ही इन्वाइटेड हिम टू द अकेडमी और वहाँ पे थोड़े कुछ आई थिंक 10 मिनट के लिए उन्होंने थोड़ा एक प्रैक्टिस गेम खेला एंड रंजीत बजाज वॉज इम्प्रेस्ड, बट कुछ रीज़न के लिए उनको फिर वापस जाना पड़ा। बट बेसिकली बात ये थी कि रंजीत बजाज वॉज इम्प्रेस्ड विथ हिम, द वे ही प्लेड एंड बेसिकली अट्रैक्टिव फुटबॉल था उनका। सो वॉट हैपेंड इज कि रंजीत बजाज सजेस्टेड कि यू शुड अप्लाई फॉर द इंडियन पासपोर्ट एंड ऑब्वियसली इंडियन पासपोर्ट अप्लाई करना या किसी की सिटीजनशिप ऐसे गिव अप कर देना, स्पेशली अगर वो यूरोपियन नेशनैलिटी हो, तो इतना आसान नहीं होता है। बट थ्रीमान रणवीर हैज़ गॉन ऑन एंड डिड द अनथिंकेबल, अप्लाई कर दिया उन्होंने। ऑफकोर्स उनको उनका पेरेंट्स का भी सपोर्ट था, एज ही सेड कि उन्होंने उनके डैड से फर्स्ट उन्होंने थोड़ी बात करी, ही टॉक विद हिज डैड, हिज पेरेंट्स एंड यू नो दे आर विथ हिम ऑन दिस। सो अच्छी बात है कि एक यंग प्लेयर ने, स्पेशली अगर वो 18-17 साल के हैं एंड ही इज़ टेक दिस मैसिव स्टेप इन हिज लाइफ, इन हिज करियर, बेल्जियन पासपोर्ट देना कोई छोटी बात नहीं होती है। सो
इंडियन नेशनल पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर दिया है एंड होपफुली वी कैन सी हिम टू प्लेइंग इन द ISL एंड आई लीग, दोनों में से को मैं प्रिफर करूँगा कि वो ISL में खेले बिकॉज द क्वालिटी ऑफ फुटबॉल ऑब्वियसली विल बी बेटर इन ISL एंड ही गेट्स सम गेम टाइम, तो हमारी इंडियन नेशनल टीम के लिए भी अच्छा हो सकता है. सो हमारी नेशनल टीम को वो कैसे बेनिफिट कर सकता है? सो बेसिकली एज यू नो कि इंडियन नेशनल टीम में स्ट्राइकर की बहुत इश्यू है. लाइक हमारे पास सुनील छेत्री सर के अलावा कोई इतने अच्छे स्ट्राइकर्स हैं नहीं जो कि यू नो गोल्स. हमारी प्रॉब्लम ये रही है कि हम डिफेंड थोड़ा कर लेते, मे बी एंड में 85-80 मिनट तक आके डिफेंडर्स भी थक जाते, बट हमारा डिफेंस मोस्टली सॉलिड रहता है. बट प्रॉब्लम ये है कि हम गोल्स नहीं स्कोर कर पा रहे. आप कोई भी मैचेस देखो, इवन बेंगलुरु FC के लिए भी सुनील छेत्री ही मोस्टली स्कोर करते हैं. सो द प्रॉब्लम इज़ कि हमारे स्ट्राइकर डिपार्टमेंट में विंगर्स, फॉल्स नंबर 9 सबसे बड़ी जो पोजीशन होती है 9 और 10, और ये जो पोजीशन है इसमें हमें कोई अच्छा प्लेयर मिला नहीं है जो सुनील छेत्री सर के रिटायरमेंट के बाद उसकी प्लेस ले सके. सो अगर त्रिमन रणवीर अच्छा खेल सकते हैं एंड अगर वो उतना दूर तक गए कभी, सो ये हमारे इंडियन टीम के लिए एक अच्छी बात हो सकती है. एंड ऑल्सो ये जो मूव किया है त्रिमन रणवीर ने, आई वुड लाइक टू क्रेडिट हिम, गिव क्रेडिट टू हिम कि इतनी सी एज में ही हैज़ टेकन दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी सॉर्ट ऑफ. लाइक हिम्मत लगने बहुत हिम्मत लगती है कि आप अपना पासपोर्ट गिव अप कर दो. सो आई होप कि ये मूव से बहुत सारे जो दूसरे नेशनलिटीज़ के इंडियन ओरिजिन प्लेयर्स हो गए स्पेन में, इंग्लैंड में, बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं वी नो कि हम इंडियंस हर जगह पे. सो मेरे हिसाब से उनको ये स्टेप लेना चाहिए. ऑब्वियसली कि किसी का पासपोर्ट दे देना इंग्लैंड का, स्पेन का, इतना आसान बात होती नहीं है. बट इफ़ यू वॉन्ट टू प्ले फॉर इंडिया एंड यू कीप सेइंग और शेयरिंग स्टफ अबाउट इंडिया, बट यू होल्ड अ फॉरेन पासपोर्ट एंड स्टिल से कि येस आई वॉन्ट टू प्ले फॉर इंडिया, बट यू नेवर ट्राई टू, मतलब वो ट्राई नहीं करते एक्चुअली, एक चांस नहीं, एक रिस्क नहीं लेते. सो ओल्ड एज प्लेयर का तो हम समझ सकते हैं, जैसे माइकल चोपड़ा, उमित सिंह हो गए, उनको मे बी हो सकता है इतना चांस नहीं मिलेगा. सो इट डजेंट मेक सेंस कि अगर वो अपने पासपोर्ट दे दे, गिव अप कर दे और फिर उनको चांस ही ना मिले इंडियन नेशनल टीम में. सो लेकिन अगर यंग प्लेयर्स है तो वो ISL में अपना गेम खेल के खुद को भी प्रोग्रेस कर सकते हैं एंड इफ़ ही प्रोग्रेस वेल, इफ़ ही डज वेल इन ISL एंड आई लीग, सो उनको इंडियन फुटबॉल नेशनल फुटबॉल टीम में भी चांस मिल सकता है. सो दैट वॉज ऑल अबाउट त्रिमन रणवीर. आई होप उनके बारे में आपको थोड़ी नॉलेज मिली हो. एंड थोड़े एक दो दिन पहले मैंने उनसे ट्विटर पे ही बात भी करी थी एंड आई विल सी इफ आई कैन अरेंज एन इंटरव्यू विथ हिम. बेसिकली थोड़ा सा एक Q&A टाइप इंटरव्यू का ट्राई करूँगा. हम लोग को पता है कि जब से वो इंडिया में आए हैं तो जब से मतलब बहुत ज़्यादा बिजी हो गए. एज यू नो कि हर किसी को पता चल गया कि यार एन NRI और यू कैन से OCI प्लेयर बेल्जियन पासपोर्ट गिव अप करके इंडिया के लिए खेलने वाले हैं. सो यू नो इनके थोड़ी मतलब इनको भी आदत नहीं है इस चीज़ की, इतना जो हाइप बन गया अराउंड इनके अराउंड और सच अ यंग एज. सो इफ़ आई कैन अरेंज, मैं एक इंटरव्यू अरेंज करने का ट्राई करूँगा, एक Q&A टाइप, छोटे से क्वेश्चंस. सो या इफ़ यू वांट टू सी दैट सब्सक्राइब. एंड अगर ये नहीं भी हो पाया, ये इंटरव्यू नहीं हो पाया त्रिमन रणवीर के साथ, सो नॉट अ प्रॉब्लम, मैं उनसे ट्विटर DMs में ही बात करके थोड़े Q&As बता दूंगा और आपको आंसर्स बता दूंगा. सो अगर आपको ये वीडियो सही लगा, थोड़ी सी भी आपको नॉलेज मिली है त्रिमन रणवीर के बारे में, OCI PIO प्लेयर्स के बारे में, सो प्लीज़ सब्सक्राइब. और PIO और OCI का अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझा है अभी तक, सो प्लीज़ आप मेरा पहले का वीडियो जाके देखें, मैंने OCI और PIO का पूरा एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाया है. सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब. एंड गाइज इफ़ यू सब्सक्राइब इट विल मोटिवेट मी टू डू मोर. लाइक अगर सब्सक्राइब और लाइक मतलब मेरे सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली मेरे चैनल एनालिटिक्स अच्छे नहीं होंगे. एंड यू नो अगर सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे तो मेरे चैनल के लिए भी अच्छा रहेगा एंड ऑल्सो इट विल मोटिवेट मी टू यू नो इम्प्रूव माई क्वालिटी. अभी मेरे पास जितने रिसोर्सेस है आई एम ट्राइंग टू डू विद इट वॉट एवर आई कैन. सो गाइज इफ यू विल सब्सक्राइब दैट विल बी ऑफ अ ग्रेट हेल्प टू मी. या So that was all about Triman Ranveer and Go Blue Tigers.